रहीम यार खान के नवाही इलाका मौजा नोनानारी का रहायशी सलीम जलन की मीडिया से गुफ्तगु। मंजूर जलन शोरूम वाला मेरे साथ जाती रंजिश की बना पर महकमा नहार अफसरान के साथ मिलकर झूठा मन गरत मुकदमा दर्ज करा दिया है। इस झूठे मुकदमे को भुगतने के लिए मेरी जमा पूंजी खत्म हो गई। रिश्तेदार दोस्तों से उधार रकम ली, कुछ रकम मजबूरी में सूद पर लेकर गुजारा किया। अब घर से दरपदर हुकाम समेत मेरे कौम के सरदार जलन साहिबान मुझे इंसाफ फराहम करें। सलीम जलन की तफसीली गुफ्तगू के बाद क्लर्क हफीजुर रहमान और मंजूर शोरूम वाला दोनों ने मुख्तलिफ औकात में मौकफ इख्तियार किया कि हमारे ऊपर लगने वाले अल्जाम बेबुनियाद हैं। रिपोर्ट कर रहे थे सज्जाद अहमद जलन, ग्रेट न्यूज़ रहीम यार खान। तो किन ने तोड़िया, यानी आपने नहीं तोड़ी, आपके ऊपर एफ आई आर भी होगी? तो आप तो किसी और ने थी। अच्छा, ना मेरा दिल। तो क्यों दी गई आप पे एफ आई आर? तो आप तो बिल्कुल शरीफ शहरी हैं। कुछ ज़ाती रंजिश कौन कर रहा है आपसे? ज़ाती रंजिश वो भी हमारे रिश्तेदारी हैं। कोई एक नाम खास तौर जहाँ मंजूर अहमद जुड़ा। अच्छा जी, तो यानी उन्होंने अपनी ज़ाती रंजिश मिलाने के लिए आप पर खाम खा एफ आई आर दिला दी? जी हाँ, वो तो मंजूर मेट और नादी अली को सब पता है, क्योंकि नादी अली तो खुद ने रिश्वत ली थी, तकरीबन 4.5 लाख रुपए रिश्वत ली थी। इसका कोई आपके पास सबूत है? सबूत तो काफ़ी सारे हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो पैगाम है, सब कुछ है। नहीं नहीं, रिश्वत लेने का कोई सबूत नहीं? रिश्वत लेने का कुछ नहीं। यानी आपको किसी ने कहा है? हमें मुझे कहा है किसी ने। नादी अली को वो हैं जामंदूर जुलान, अब्दुलरहमान बेराम, अल्लाह बश बेराम वगैरह वगैरह काफ़ी सारे लोग थे इनको रिश्वत दी थी। ये अब्दुलरहमान कौन है? बेराम कह रहे थे कि कोई क्लर्क है हफीज़ुर्रहमान, वो भी साथ मिला हुआ है ना उसके साथ। मेन सीढ़ी तो वही है, मेन सीढ़ी वही है जो नादी अली को रिश्वत दी। अच्छा, ये अखबार में मेरी खबर ये चले जाए, मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुई, मुझे नाजायज़ परेशान किया गया और इसी वजह से आज मैं घर से बेघर हूँ।